हेलो एवरीवन, दिस साइड काजल है एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगी। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की सीटैट 2020 और अदर टैट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप लोगों को हेल्प करूंगी। अगर आप सीटैट 2020 या अदर टैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक के एंड में मैं आप लोगों से दोबारा मिलूँगी। चलिए इंग्लिश पेडागॉजी का 15 चैप्टर डिस्कस करते हैं। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट को क्या पोजीशन दी गई है और इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी रिकमेंडेशन रखी गई है। आई होप आपने इसके पहले के पार्ट जरूर देखे होंगे ताकि आप इंग्लिश पेडागॉजी की सीरीज़ में कंटिन्यू रह सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम NCF 2005 के बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो NCF 2005 ये पब्लिश हुआ था, ये फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, यानी कि इससे पहले ऑलरेडी 3 और रिकमेंडेशन रखी गई थी, एक 1975 में, एक 1988 में और एक 2000 में, और फोर्थ नंबर पे आया था NCF 2005। और ये पब्लिश कौन करता है? ये पब्लिश करता है NCERT। यहाँ पे हमें बता रखा है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज़ वन ऑफ द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स पब्लिश इन 1975, 1988, 2000 एंड 2005 by the National Council of Educational Research and Training, यानी कि NCERT जो इंडिया में है ये इसे पब्लिश करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टीनेट्स जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर रखे गए हैं। टीनेट्स होते हैं सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, जिसे हम बिलीव्स के नाम से भी जानते हैं। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि हम लोगों को ऐसी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है कि बच्चा उसे अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सके, मतलब क्लासरूम के अंदर ही उस नॉलेज को यूज़ ना करे, क्लासरूम के बाहर भी उस नॉलेज को यूज़ कर सके। तो हमें इस तरीके से नॉलेज को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड। रोट मेथड होता है रट्टा मारना। बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि बच्चों की जो लर्निंग है वो एक तरीके से शिफ्ट करनी है हमें। पहले जो बच्चा किसी चीज़ को बस रट रहा था, उस चीज़ को हमें एक्टिविटी बेस हम लोगों को लर्निंग करानी है, जिससे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से उस चीज़ों को समझे, ना कि उस चीज़ों को रटे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें बता रखा है इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि हमें अपनी पाठ्यचर्या को इस तरीके से तैयार करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे। देखिए, हम लोगों को बच्चों को डायनमिक बनाना है, बच्चे इस तरीके से तैयार हों कि वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। हमें क्या करना चाहिए, हमें करिकुलम में टेक्स्ट बुक को तो ध्यान देना ही चाहिए, पर हमें साथ ही साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं उन्हें लर्निंग बाय डूइंग मेथड से चीज़ें सीखने में मदद करे। तो बेसिकली हमें बच्चे का ऑलराउंड यहाँ पे डेवलपमेंट कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विथ क्लासरूम लाइफ। यहाँ पे हमें बता रखा है कि हम जो क्लास में एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं वो बच्चों को बर्डन ना लगे, हमें एग्जामिनेशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है और उनकी क्लासरूम लाइफ से उन्हें कनेक्ट करना है। बेसिकली उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन देनी है और कुछ इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाने अपने एग्जामिनेशन को कि बच्चा बर्डन फील ना करे। लास्ट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ़ दी कंट्री। यहाँ पे हमें बच्चों को नर्चर करना है, तैयार करना है कि बच्चे अपनी पहचान बना सके। हमें पता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमें बच्चों को इस तरीके से नर्चर करना है, इस तरीके से तैयार करना है कि बच्चे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट भी कर सकें और अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बना सकें। NCF 2005 के अंदर हमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई है जिनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है इन ऑर्डर दैट एजुकेशन में बी रिलेवेंट
टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स, यानी कि एजुकेशन को हमें प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स के लिए तैयार करना है, तो हमें NCF 2005 के अंदर कुछ रिकमेंडेशन दी गई है कि आपको इन बातों के अंदर ध्यान देना होगा। चलिए इन्हें ज़रा डिस्कस करें। पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट हम लोगों के सामने, सब्जेक्ट बाउंड्री बी सॉफ्टन लीडिंग टू इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमें सब्जेक्ट की बाउंड्रीज इस तरीके से तैयार करनी है कि बच्चा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज भी ले और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी ले। यहाँ पे हमें बच्चे को डायनेमिक बनाने की बात की गई है। आप सिर्फ रोट मेमोराइजेशन कराएं और बच्चा बस रट के एग्जामिनेशन दे दे, आप ऐसा नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपके जो स्टूडेंट है, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को गेन करते चले जाएं। अब अगले पॉइंट में हमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक के बारे में बता रखा है, टेक्स्ट बुक एंड अदर मटेरियल शुड इनकॉर्पोरेट लोकल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल स्किल्स। यहाँ पे हमें बता रखा है टेक्स्ट बुक हो गए या फिर कोई अदर मटेरियल हो गए, हमें उन्हें इस तरीके से तैयार करने कि बच्चा लोकल नॉलेज भी ले और साथ ही साथ उसमें ट्रेडिशनल स्किल्स भी डेवलप हों। तो बेसिकली यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपको बच्चे को साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप करना है और साथ ही साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी बच्चे के अंदर रखने हैं, ताकि वो दोनों का बैलेंस साथ में बना पाए। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे, स्कूल शुड प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दैट रिस्पॉन्ड्स टू द चाइल्ड होम एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट। यहाँ पे बता रखा है कि हमें क्या करना है कि स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है कि बच्चा अपने होम एनवायरनमेंट और कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्ड कर सके। यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं तैयार करना, हमें एक ऐसा स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट तैयार करना है कि बच्चा सेफ और सिक्योर फील करे, बच्चे को लगे कि जिस कम्युनिटी से वो आ रहा है वो उसी कम्युनिटी के थ्रू वो एजुकेशन को गेन कर रहा है। तो इस तरीके से ये होगा कि बच्चा जल्दी से रिस्पॉन्ड भी करेगा और कहीं ना कहीं जो नॉलेज स्कूल में वो गेन करेगा वो घर में और अपनी कम्युनिटी में अप्लाई भी करने की कोशिश करेगा। चलिए हम डिस्कस करेंगे गोल्स फॉर इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम 2005। यहाँ पे हमें एक और चीज़ क्लियर हो गई कि NCF 2005 के अंदर इनके अकॉर्डिंग इंग्लिश को हमें सेकेंड लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना है। तो चलिए इनके गोल्स क्या हैं जरा इसको जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमें बता रखा है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 English in India does not stand alone. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमें बता रखा है कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश हमारे इंडिया में एक अकेली लैंग्वेज की तरह स्टैंड नहीं करती। अब इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे हमें बता रखा है इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। यह हमें पता है कि यहाँ बहुभाषिता होती है, यहाँ के लोग एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं, तो हम ये कभी नहीं बोल सकते कि जो इंग्लिश है वो इंडिया में एक अलग से लैंग्वेज की तरह स्टैंड करेगी। अब हमें आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड एंड द टिपिकल फीचर ऑफ द लिंग्विस्टिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। यहाँ पे बता रखा है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है यहाँ के बच्चों की एक तरीके से आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी, इस फीचर को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। अबाइडिंग विजन ऑफ द नेशन इज़ टू क्रिएट द मल्टीलिंगुअल हु कैन इनरिच अदर इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पे हमें बता रखा है कि हमारे जो नेशन का ये जो विजन है जिसमें हम मल्टीलिंगुअल की तरह एक्ट करते हैं, हमारी ये जो आइडेंटिटी है बहुभाषिता की, ये हमारी एक तरीके से पहचान है और हमें इसे बनाए रखना है और हमें अपने यहाँ की अदर लैंग्वेज को भी इसी तरीके से इनरिच करना है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंग्लिश है वो अकेला स्टैंड नहीं करता, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म एक्ट करता है, यानी कि यहाँ के लोग बहुभाषी होते हैं और यही हमारी पहचान है, और इसी तरीके से हम अदर लैंग्वेज को ट्रीट करते हैं और कहीं ना कहीं इनरिच करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं। देयरफॉर English need to find its place along with other Indian language in different state. यानी कि कहीं ना कहीं English को भी ज़रूरत है कि वो अपनी एक अलग जगह पहचान बनाए।
अदर लैंग्वेज की तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि हर तरीके की लैंग्वेज बोली जाए, बट इंग्लिश जो एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर स्टेट में अब यूज़ की जाती है, और इंग्लिश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और हर लैंग्वेज को बनानी पड़ेगी इंडिया के अंदर स्पेशली, क्योंकि हम लोग मल्टीलिंगुअल हैं, हम लोग बहुभाषी हैं, हम लोग किसी एक लैंग्वेज के ऊपर अटके नहीं रहते, हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी घर में अलग लैंग्वेज होती है, कम्युनिटी लैंग्वेज अलग होती है, और स्टेट वाइज इनफैक्ट एरिया वाइज भी लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस पूछा गया है इंग्लिश टीचिंग का, तो इसमें कुछ बेसिक बातें निकल के आती हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर स्पेशली इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट नहीं किया जाता, इंग्लिश को एज अ नॉलेज ट्रीट किया जाता है। जैसे कि अगर कोई बंदा नॉलेजबल है तो उसे ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए, अगर उसे ये लैंग्वेज नहीं आती तो उसके नॉलेज को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं ये गलत है, ये स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, बट बाकी कंट्री के अकॉर्डिंग इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे को इंग्लिश आए ही आए, तो यहाँ एजुकेशन को, नॉलेज को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, इनफैक्ट फोर्स किया जाता है कि बच्चा ये लैंग्वेज सीखे। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड किया गया है, इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एंटरप्राइज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक एंटरप्राइज किया जाता है इंग्लिश टीचिंग को लेके, मतलब यहाँ पे इंग्लिश को टीच कराना ज़रूरी है। हाँ, हालांकि सेकेंड लैंग्वेज की तरह ट्रीट करते हैं, बट कहीं ना कहीं ज़रूरी भी बना दिया गया है इस चीज़ को। इंग्लिश टीचिंग सिचुएशन इन द कंट्री कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू टू टर्म्स। यहाँ पर हमें बता रखा है कि हम इस पूरी सिचुएशन को दो ब्रॉड टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी कि टीचर कितना प्रोफिशिएंट है, टीचर को वो लैंग्वेज में पकड़ कितनी ज़्यादा है, इसी तरीके से वो बच्चे को वो लैंग्वेज बेहतरीन तरीके से सिखा पाएगा। या फिर द अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इन द एनवायरनमेंट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन, भाषा को अर्जन करने के लिए उनकी एनवायरनमेंट में, उनके आसपास के लोग इस भाषा का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आप इंग्लिश को स्कूल में तो सिखा दोगे, बट उस बच्चे के घर में वो लैंग्वेज अगर इस्तेमाल ही नहीं हो रही तो वो कहाँ पे यूज़ करेगा। आप उसे क्लासरूम के अंदर उसके टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है आप वो पढ़ा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम के अंदर कॉन्वर्सेशन भी चल रही है, बट उस लैंग्वेज को वो अपने पीयर ग्रुप में, अपनी फैमिली के साथ अगर वो यूज़ ही ना कर पाए तो कहीं ना कहीं उसे लैंग्वेज एक्विजिशन में, भाषा अर्जन में दिक्कत होगी। अब हम डिस्कस करते हैं NCF 2005 गिव्स अ फ्रेश इम्प्यूटीज टू लैंग्वेज एजुकेशन, यानी कि लैंग्वेज एजुकेशन को लेके NCF 2005 के अंदर कुछ फ्रेश बातें बताई गई हैं, कुछ फ्रेश बिलीव्स बताए गए हैं कि आपको इन चीज़ों पे बिलीव करना है और ये आपको चेंजेस करने हैं। तो ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ रीन्यू अटेम्प्ट शुड बी मेड टू इम्प्लीमेंट द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, यानी कि अब क्लासरूम में आपको थ्री लैंग्वेज फार्मूला पे फोकस करना है। थ्री लैंग्वेज फार्मूले के अंदर क्या होगा, एक तो उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज सिखाई जाएगी, एक आप सेकेंड लैंग्वेज के फॉर्म में इंग्लिश को सिखाइए, और अब आपको एक थर्ड लैंग्वेज भी सिखानी है जिसमें स्कूल में या तो संस्कृत या फ्रेंच या जर्मनी, इस तरीके की लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो हमें लैंग्वेज एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें क्लास में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पे बता रखा है, चिल्ड्रंस मदर टंग इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज शुड बी कंसीडर एज द बेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपको क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन देनी है तो आप बच्चे की मदर टंग यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ ट्राइबल लैंग्वेज की मदद से भी, यानी कि जो उनकी लोकल लैंग्वेज है इसकी मदद से भी किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे बच्चा आपसे जल्दी कनेक्ट होगा और बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश शुड बी इनकरेज इन चिल्ड्रन, यानी कि आपको बच्चे को एनकरेज करना है कि बच्चे मल्टीपल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो सके, यानी कि उनकी पकड़ आ सके, और उन मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश को भी इंक्लूड करें। बेसिकली यहाँ पे मल्टीलिंगुअल की बात की जा रही है।
नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीडिंग शुड बी एम्फेसाइज ऑल टू द प्राइमरी क्लासेस, यानी कि आपको प्राइमरी क्लासेस से ही रीडिंग को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, फोकस करना है कि बच्चा रीड सही से करे। देखिए, आपके सामने बच्चा अगर रीडिंग करेगा तो बच्चे की प्रोनंसिएशन आपको पता चलेगी कि बच्चा किसी वर्ड को कैसे प्रोनंस कर रहा है, तो इसके थ्रू आप साथ के साथ उसे फीडबैक दे के करेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।